ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटी में, नीट में, कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो कभी भी अगर आपको बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन आज हम बात करने चल रहे हैं पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की, इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की। तो आज एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी डाउट आपका क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे आईटीजेई का हो चाहे नीट का हो। और एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का दो तरीका होता है, आप थ्योरेटिकल बेस से भी एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंटल भी एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। कैसे? दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन दोनों से ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमें आईटीजेई नीट कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कैसे कंपटीशन के क्वेश्चन विद इन सेकेंड में आंसर आ जाए। तो जहाँ देखिएगा, सपोज करिए हमारे पास कोई एसिड है, और हमारे पास एसिड है, हमने मान लिया हमारे पास कोई एसिड है एच ए, और ये एसिड जब डिसोसिएट होगा बच्चों तो हमें देगा एच प्लस आयन प्लस ए माइनस। ये है हमारा एनायन, ये क्या है? एनायन है, पूरा का पूरा खेल इसी का है, इसी एनायन का पूरा खेल है एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो ध्यान रखिएगा, इस एनायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर हम कोई थ्योरेटिकल रिजल्ट निकालें तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन यानी ए माइनस, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, ठीक, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। याद रखिएगा, चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को घटाता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। जगह नहीं, इधर लिखना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। रेजोनेंस चार्ज को फैलाता है, रेजोनेंस बढ़ेगा कंपाउंड के अंदर तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा। सारे क्वेश्चंस को करेंगे, धैर्य रखिए, सारे क्वेश्चंस को करेंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि एनायन का साइज बढ़ेगा तो एरिया ऑफ डिस्पर्जन बढ़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ डिस्पर्जन बढ़ेगा तो रेजोनेंस बढ़ेगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है चार्ज को डिलोकलाइज करना, चार्ज को फैला देना। चार्ज फैलेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, चार्ज मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगा। तो बच्चों, जो आप ये रिजल्ट इतना देख रहे हैं थ्योरेटिकल रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है? थ्योरेटिकल रिजल्ट है भैया। रिजल्ट है थ्योरेटिकल हो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कंपटीशन के, वो भी विद इन सेकंड में ही, तो आंसर हमारा आने वाला है, पक्का है। तो जरा आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी देखिएगा, दोनों बता रहे हैं। कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। सॉल्यूशन में जितना एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा कंपाउंड में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू के ए बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो ज़्यादा एस प्लस आयन देगा। एंड
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेन बढ़ेगी। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी के ए। तो ये आप रिजल्ट जो देख रहे हैं, ये रिजल्ट चाहे वो नीट के हों चाहे आईटी के हों, एसिडिक स्ट्रेन के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और ये रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है ये? एक्सपेरिमेंटल। देखिए तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। रिजल्ट कोई भी हो, हमें थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है क्वेश्चन निकालने के लिए। तो हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन चाहे यही का हो चाहे नीट का हो, विद इन सेकंड में आना चाहिए। हमारे पास टाइम की कमी है। इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है इसी बात का कंपटीशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आईटी और नीट दोनों में आया है और कई कई बार आया हुआ है। SClO2, SClO3 and SClO4 लीजिए, ये हमारे पास एसिड है। अब यहाँ पर हमें इनका एसिडिक स्ट्रेन निकालना है। तो इनका एसिडिक स्ट्रेन निकालने के लिए हमें इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेना है। तो अगर आप यहाँ से H प्लस आयन को हटाइए तो यहाँ पर ये मिल रहा है ClO, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस ClO2 माइनस, यहाँ से मिल जाएगा, ब्रेक कर दीजिए, ClO3 माइनस, यहाँ से ब्रेक करिए तो मिल जाएगा ClO4 माइनस। तो देखिएगा यहाँ पर तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैसे तो एनायन में जितने ऑक्सीजन होते हैं उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन ये बात हर जगह फिट नहीं होता, लेकिन यहाँ फिट हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अभी आपने कहा था एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। इस एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इस एनायन की स्टेबिलिटी है, फिर इस एनायन की स्टेबिलिटी है, और सबसे कम स्टेबिलिटी इस एनायन की है। और एनायन की स्टेबिलिटी से ही एसिडिक स्ट्रेन देखा जाता है। जिस एनायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उस एनायन का एसिडिक स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? ये, फिर ये, फिर ये। कैसे पता चला? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम एसिडिक स्ट्रेंथ कम। देखिएगा सोचे इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आईटीजेई नीट के सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जनरल और सब इसी चैनल पर मिलते हैं केमिस्ट्री बाय पीसी सर। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके आईटीजेई नीट में दोनों आ चुका है, कई बार आ चुका है। हमारे पास SF, HCl, HBr, HI। हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? साइज ऑफ एनायन, जरा इसको ब्रेक करिए, H प्लस F माइनस, ये भी टूट गया, ब्रेक करिए। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो जरा देखिएगा, यहाँ से हमें मिला F माइनस, यहाँ से मिला Cl माइनस, यहाँ से मिला Br माइनस, और यहाँ से मिला I माइनस। अब हमें देखना है एनायन का साइज। अभी आपने लिखा था एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा। तो एनायन का साइज सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा एरिया ऑफ डिस्पर्जन उतना ज़्यादा होगा, चार्ज उतना ज़्यादा दूर तक फैलेगा, और चार्ज जितना फैलेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, चार्ज कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेन ज़्यादा होगी और एनायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ और ये है
मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड है CH3CH3, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा है CH CCH। इनमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एस्केलेटर से। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसका भी इसका भी। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, यहाँ पर आएगा sp2। यहाँ निकालिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। एक का निकाल लें, दूसरे का भी sp होगा, ठीक है। तो देखिए, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp में s का परसेंटेज कैरेक्टर 50% s कैरेक्टर। यहाँ पर sp2 में 33.3% s कैरेक्टर है, यहाँ पर 25% s कैरेक्टर है, परसेंट s कैरेक्टर। और अभी आपने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा 50% इसमें है, उसके बाद कम इसमें है, और सबसे कम इसमें है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक सबसे कम। कंपाउंड दे दिए, वो मेथेन है, दूसरा कंपाउंड अमोनिया है, तीसरा कंपाउंड वाटर है, और चौथा कंपाउंड HF है। इनमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, एक आर्डर बनाना है। तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं, H+ आयन कंसंट्रेशन कौन ज़्यादा बढ़ाएगा सोल्यूशन में, यानी सीधी सी बात है, सोल्यूशन में H+ आयन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। H+ आयन मेथेन ज़्यादा देगा, HF ज़्यादा देगा। जो H+ आयन जितने आसानी से दे देगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ा ले जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा H+ आयन देने की टेंडेंसी, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, फिर दूसरे नंबर पर वाटर, फिर अमोनिया, और सबसे कम एसिडिक है मेथेन कंपैरेटिवली। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।